अभी फिरोज भाई इस जावा मॉडल को ऑन करेंगे। ये देखिए ऑन हो गया सिंगल किक में, एक सिंगल किक में ऑन। और उसका एग्जॉस्ट साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए। व्यूअर्स एक बार फिर से पीएस विलेज इंडिया टीवी चैनल पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने टाइटल देख ही लिया है, आज का वीडियो है जावा मोटरसाइकिल पे। तो मैं अभी मैसूर में एक मोटरसाइकिल गैरेज के सामने मैं जा रहा था, तो मुझे ये बाइक दिखा और मैं बाइक का भी थोड़ा बहुत शौक़ रखता हूँ, और स्पेशली जो ओल्ड ज़माने के बाइक्स हैं ना उसके मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे फादर भी जो राजदूत वगैरह चलाते थे बुलेट में बचपन में, मुझे वो सब मेमोरी थोड़ा बहुत मेरे मन में है अभी भी। लेकिन आज के टाइम पे विंटेज बाइक रख पाना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली अफेयर है, आपको उसके लिए बहुत पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो अभी मेरा इतना सिचुएशन है नहीं, लेकिन फ्यूचर में मैं ज़रूर एक जावा लेने का सोचूंगा। तो यह एक है, शंकर जी बताएंगे इस बाइक के बारे में। ये शंकर साहब, ये कौन सा मॉडल है? 1969 जावा, मैसूर मैन्युफैक्चर्ड। हाँ मैसूर में, ये इधर ही कंपनी में बनाया गया था। आइडियल जावा। ओके 69। लेकिन ये मैंने जो देखा है जावा का जो डम टाइप का एक हेडलाइट होता था, वो वर्ल्ड ये चेंज हो गए सब। अच्छा, मॉडिफिकेशन हो गए। हाँ, वो तो उससे पहले वाले में आता था, पहले वाले बॉक्स। अच्छा, इस ये जो आपके बाइक है ये पूरा सेम पीस है कि इसमें भी कुछ पार्ट्स चेंज हुआ है? या जो ये चेंज होगा सामने का। अच्छा, फ्रंट का हेडलैम्प और इसका पीछे पूरा वही। ओके, वेल टैंक और फिर उसका इंजन का कवर वगैरह सारा सेम है। ओके, और इसके इंजन का क्या स्पेसिफिकेशन है, कितना सीसी का इंजन है? 250 सीसी का इंजन है। ओके, और ये कितना बीएचपी पावर पैदा करता होगा? 14 बीएचपी। आरपीएम कितना में आता होगा? आरपीएम 5000 आरपीएम में। ओके, और टॉर्क वगैरह कुछ पता है? 120 आता है। ओके ओके, बढ़िया। तो आराम से जाओ। ये जो आप देख रहे हैं ना बाइक जावा, इसका जो सबसे मुझे पसंद है उसका ट्विन एग्जॉस्ट पाइप और उसके इंजन का जो नीटनेस, कितना एकदम देखो। आज के ज़माने में छोटा छोटा इंजन, पैरेलल इंजन होंडा का, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका उस ज़माने में देखो, उसका हेड का साइज, इंजन का केसिंग वगैरह, कवर वगैरह, और उसका जो बैंड पाइप, वो बहुत ही ज़्यादा आपके मतलब फैशन जो होता है ना, स्टाइल कोशंट, उसको आपको जगाता है। और उसका जो सामने का टेलीस्कोपिक फ्रॉक सस्पेंशन और उसका जो मेटालिक फेंडर, उसमें जो क्रोम, ये क्रोम मडगार्ड के उसी टाइम से है? नहीं नहीं, वो चेंज हो गया है, पुराना पेंटेड आने का। अच्छा, पुराना वाला पेंटेड। अच्छा, और उसका टैंक का जो क्रोम है वो कंपनी वाला है? ये जो देखिए इसके में जो टैंक में जो क्रोम है ना, ये एकदम ओरिजिनल है। जावा उसका जो जावा जो इम्प्रिंटेड है टैंक में, दैट इज ऑल्सो ओरिजिनल। और उसका ये फ्यूल लीड का कैप, और कितना लीटर का है टैंक उसका? 14 लीटर का टैंक है। अरे वाह। और माइलेज कितना देता होगा? माइलेज 32-35 किलोमीटर्स। और मैंने सुना है कि जावा का जो कंप्रेशन रेशियो है वो कम है, जिसके चलते ये केरोसिन भी चल जाता है, सही है क्या? डेफिनेटली। अच्छा, लो क्वालिटी पेट्रोल से भी चल जाता है। ओके ओके ओके, तो इसलिए जावा अब मतलब इंडिया में बहुत चला होगा। अच्छा। लेकिन ये जो बाइक है ना, इसका जो आपका सबसे पसंदीदा पार्ट मुझे एग्जॉस्ट पाइप ही लगता है उसका। और ये यहाँ पे उसका कार्बोरेटर है क्या? और कार्बोरेटर में ये क्या है, पिन जो है? टिकल पिन, पेट्रोल सप्लाई होने को। अच्छा, इसको कोल्ड वेदर में सडन सप्लाई नहीं होता। अच्छा, खाली प्रेस करे तो पूरा। तो आज के जमाने का चौक के जैसा काम करता है? जैसा काम करता है। ये चौक, ये एल एल लीवर है। ये चौक, उसको उठाइए और किक मारना है। हाँ, किक मार। और दर्शकों, जावा बाइक का एक और यूनिक फीचर है उसका किकर। ये किकर जो है ड्यूअल रोल है उसका। ये किक का भी स्टार्ट करने के लिए भी काम आता है और गियर शिफ्ट करने के लिए भी काम आता है। एक बार ये हमारे साहब मुझे दिखा देंगे कैसे इसको कन्वर्ट करते हैं किकर में। किकर में कन्वर्ट करने के लिए इसको इसको प्रेस करके दबा कर उठाए तो ये अभी किकर हो गया। किक हो गया पूरा। कितना गियर आता है इसमें? कितना गियर आता है? चार। ओके, और टॉप स्पीड कितना आता होगा? टॉप स्पीड 100 आराम से आता है। हाँ। चार गियर है उसमें? चार गियर। ओहो, और उसका इंजन ऑयल वगैरह अलग से डालना होता है कि इंजन पेट्रोल के साथ? पेट्रोल मिक्सिंग। ओके, पर लीटर 50 ml। ओके ओके, और इसका सीटिंग देखिए, गिटर शेप सीट में आता है। हाँ। जो गिटर है ना उसका शेप में है। हाँ। काफी उस जमाने का जो उन्होंने डिजाइन किया है जावा को, बहुत सोच समझ के किया है ये। और इसका बैक साइड व्यू है, ट्विन एग्जॉस्ट पाइप, काफी मजा आ रहा है दिखने में। और इसका देखिए एकदम बढ़िया। और उसका जो टेल लैंप है उसके नीचे एक रिफ्लेक्टर भी दिया गया है। टेल लैंप अगर फ्यूज हो जाएगा तो रिफ्लेक्टर से भी काम चल जाएगा। और इसका नंबर देखिए MYT 69, मतलब मैसूर में VIP टाइप नंबर है, बहुत पुराना नंबर है। और ये उसका साइड प्रोफाइल है। और यहाँ पे कुछ टूल बॉक्स टाइप का दिया हुआ है एकदम। उसका जो पेंट का स्कीम है ना, काफ़ी अट्रैक्टिव पेंट में है। ये जो आर्मी का ग्रीन ओलिव कलर का है इसका पेंट देखिए। और ये इसका फुट स्टैंड, उसके साथ में ब्रेक पैडल, और ये इसका इंजन हेड। ये
250cc का इंजन है और ये कार्बोरेटर। इसके इंजन भी काफ़ी नाइसली डिज़ाइन किया गया है, कोई इसमें अलग से कोई क्लटरिंग टाइप का कुछ नहीं है, एकदम नीट एंड क्लीन सिंगल पार्ट इंजन है। और इसका जो ये व्हील है 16 इंच का व्हील है ना साहब? हाँ, दो भी 16 इंच। ओके, और इसका ड्रम बैक भी काफ़ी बड़ा है जिसके चलते ब्रेकिंग अच्छा आता होगा उसका। और ये टेलीस्कोपिक फॉर्क सस्पेंशन आगे से, ये सस्पेंशन भी, इसका जो फ्रंट का व्यू है ना, ये भी काफ़ी मज़ेदार है बाकी बाइक में की तुलना में, थोड़ा आगे से थोड़ा उठा हुआ है और इसका सस्पेंशन काफ़ी लंबा है जो इसको एक स्पेशलिटी देता है। जैसे आप इसे बैठोगे ना मज़ा आता है एकदम। तो उसका एग्जॉस्ट नोट आपको दिखाएंगे इस वीडियो के लास्ट में, आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। और जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बगल में रखा हुआ बेल आइकन को प्रेस करना। और हम लोग इस तरह से जो रेयर रेयर टाइप के वीडियोज़ बाइक्स है उसको ढूंढ के मेहनत करके वीडियोज़ बनाते हैं आप लोगों के लिए, तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तब मज़ा आता है। और जो हमारे भारतीय जो टैलेंटेड लोग हैं, ये लोग जो काम करते हैं इस तरह के बाइक्स में आज के ज़माने में, उनको भी थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। शंकर जी, फिरोज जी, और ये उनका गैरेज का नाम है श्री गणेश ऑटो वर्क्स, मैसूर में है, मैसूर पैलेस के बगल में ही है, इधर एक रास्ता गया हुआ है आगे जाके मैसूर पैलेस है, बहुत ही बढ़िया लोकेशन पे उनका गैरेज है। और ये लोग जो है विंटेज बाइक्स का भी रिपेयर करते हैं, तो जो लोग विंटेज बाइक्स रिपेयर करना चाहते हैं वो यहाँ पे आके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है गणेश जी का ये वर्कशॉप मैसूर में। और तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे से भी मोटिवेशन हमें देते रहिए इस तरह से वीडियोस को लाइक करके, सब्सक्राइब करके चैनल को, और कमेंट करके बताइए कैसा हुआ है। और मैं इस तरह से अनोखा बाइक्स जो पड़ा हुआ है उसको आपके लिए लेके आऊँगा। और चलते चलते एक और चीज़ दिखा देता हूँ, ये है लूना, यहाँ पे एक लूना बाइक भी खड़ा हुआ है 80s के टाइम पे, 80s के 80 के दशक के आखिर में बहुत फेमस हुआ था इंडियन मार्केट में लूना। चल मेरे लूना एक ऐड बहुत आता था अच्छे से, ये लूना एक बार देख लीजिए। जो आज के ज़माने के यूथ है उनको शायद लूना के बारे में कुछ पता नहीं होगा, लेकिन ये है उस ज़माने में स्कूल कॉलेज में बहुत फेमस होते थे। ये लूना एक तरह का साइकिल के जैसे काम करता था। इसका ये चेन, ये फैन बेल्ट, फैन से चलता है क्या इसका ड्राइव टाइप? हाँ, ये इसका एक बहुत ही, देखो हमें सबको पता है कि भाई चेन से बाइक खींचता है, लेकिन देखिए ये बेल्ट से खींचता था उस ज़माने में, बेल्ट ड्राइव था ये लूना 50cc का बाइक। ये इसका इंजन हेड है, यहाँ पे छोटा सा प्लग पॉइंट दिखाई दे रहा है, अभी भी हो सकता है कि इसको रिस्टोर कर सक किया जा सकता है। ये उसका मीटर कंसोल है, मीटर कंसोल है, और ये इसका हेड लैंप है। चल मेरे लूना, बचपन में हम भी ऐड देखते थे उसका, लेकिन अभी ये मार्केट से हट गया है। लेकिन देख लो इस वीडियो में आपको मैं थोड़ा सा झलक दिखा रहा हूँ लूना का, ये है लूना। तो एक बार फिर से सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। अभी फिरोज भाई इस जावा मॉडल को ऑन करेंगे, ये देखिए ऑन हो गया सिंगल किक में, एक सिंगल किक में ऑन। और उसका एग्जॉस्ट साउंड सुनिए, एग्जॉस्ट नोट सुनिए, तो दोस्तों आप लोगों ने एग्जॉस्ट साउंड सुन लिया। मुझे तो क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा थंपिंग फीलिंग आया उसमें, उस आवाज़ में इतना ज़्यादा मतलब हैवी लग रहा है, जैसे कि उसका ग्राउंड में भी थोड़ा सा वाइब्रेशन आ रहा था, बहुत ही बढ़िया एकदम थंपिंग। उसका जो आवाज़ का नोट है ना, अभी भी एकदम शेर की तरह गरजता हुआ इसने अपने आप को प्रूव किया है। और उसका फ्रंट से भी लुक काफ़ी स्टाइलिश है, इसका आगे से भी आप देखेंगे तो लुक काफ़ी स्टाइलिश है। उसका जो रिम है अभी भी चमक रहा है, इसका ड्रम ब्रेक है, और ये इसका फेंडर का सपोर्टिंग रॉड्स है, और उसका टेलीस्कोपिक फ्रॉक सस्पेंशन आगे से, ये भी काफ़ी दमदार और अपीलिंग है। तो ये जो था हमारा जावा 1975 मॉडल, और इस जो गैराज है, इस गैराज का ओनर है मिस्टर सर, आपका नाम क्या है? शंकर। मिस्टर शंकर सर है जो जावा ESD बाइक्स में, मतलब कोई भी पुराना विंटेज बाइक्स में रिपेयरिंग में उनको महारत हासिल है। और आपका कितना साल से सर ये शॉप है? सर शॉप हम उनका 3 साल होगा। 3 साल हो गया, और अभी 30 इयर्स। ओके, 30 इयर्स को मेरा मतलब लगभग हमारे उम्र के हिसाब से साहब जो है इस सारे बाइक्स को मेंटेन कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हो जिनके पास भी इस तरह का विंटेज बाइक्स है, अगर आपको रिपेयर करना है तो आप सर से आके, शंकर सर से आके बात कर सकते हैं, आपका बाइक्स का कोई भी प्रॉब्लम होगा। और जावा का जो कि मैसूर में एक प्रोडक्शन यूनिट था, इसलिए यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत पार्ट्स मिल जाता है,
तो अगर आपको पार्ट्स की भी ज़रूरत है तो आप शंकर साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर पॉसिबल होगा तो अरेंज करा देंगे और आपका बाइक्स को ठीक करा देंगे। तो उनके पास ये था जावा का एक मॉडल, और उनके पास एक वो भी है यूनिक सा, ये है लूना। 80s के टाइम पे इसने भी मार्केट में काफ़ी हलचल मचाया है ये लूना। अभी ये हालत इसका ठीक नहीं है, लेकिन एक बार जो नए पीढ़ी है उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि भाई लूना भी क्या होता था। जैसे आज हम लोग स्कूटी लेके घूमते हैं, उस ज़माने में लूना चलता था, सबके घर घर में लूना होता था। ये है लूना, चल मेरे लूना करके एक ऐड आता था, काफ़ी फेमस था। तो देखिए उसका जो ये इसका जो गियर वगैरह देख के कुछ साइकिल की जैसा लग रहा है। लूना कितना सीसी का होता है इसका इंजन? 80 सीसी का इसका इंजन है, 50 सीसी। ओके 50, मतलब मेरा बोट एक साइकिल की जैसा ही है लूना, बहुत ही बढ़िया। इसका आगे भी बैठने के लिए भी इधर कुछ है सिस्टम। ये इसका फ्रंट व्यू है लूना, 80s का टाइम का होगा क्या ये? 1980s के टाइम का होगा मॉडल, बढ़िया।